बेशक बीते दिनी सूबे सने देश दे कई होर शहरां विच पई बारिश ने लोकां नू गर्मी तो राहत दिती है, पर इस नाल ही पहला पूरा दिन गर्मी ने लोकां नू बुरी तरह परेशान कर दिता सी। बठिंडा लगातार चार दिनों तो सूबे विच सब तो गर्म रहा। बुधवार नू इत्थे दा तापमान 47.5 डिग्री तक पहुंच गया, जो बठिंडा विच पिछले 20 सालां विच मई विच सब तो वध तापमान रहा। इस तो पहला 8 जून 2014 नू बठिंडा दा तापमान 47.2 डिग्री सी। मौसम विभाग मुताबिक सूबे विच 28 तो 30 तक गर्मी तो राहत मिलेगी। बारिश अते धूड़ भरी हनेरी दी संभावना है। राजस्थान दी सरहद नाल लगदे होण कारण बठिंडा सब तो ज्यादा गर्मी दा सामना कर रहा है। मालवा राजस्थान दी गर्म हवा कारण तप रहा है। इत्थे वड्डी गिनती विच कटे जा रहे रुख भी इस दा इक कारण मन्ने जांदे हन। मौसम विभाग अनुसार गर्मी देर नाल शुरू हुई है ते पारा पूरी तरह वध गया। बुधवार नू सारे जिलियां विच दिन वेले गर्म हवावां चलियां, पर रात नू मौसम विच कुछ बदला होया। धूड़ झक्खड़ अते बदल छाए रहे। राज विच घट्टो घट तापमान भी 25 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग अनुसार हुण 30 मई तक मौसम कुछ राहत भरिया रहेगा। वीरवार नू सूबे विच कुछ थावां ते धूड़ वाली हनेरी ते बूंदाबांदी होण दी भी संभावना है। इस नाल तापमान विच 2 डिग्री दी गिरावट आई। अज कल भूमत खेतर विच सूरज दीआं किरणां धरती दी सतह ते सिद्धियां पै रहीआं हन, जदों कि उन्हां दा प्रभाव घट हरियाली कारण वधेरे हो रहा है। उधर गुआंढी सूबे हिमाचल विच जून तक मीह अते तूफान दी भविखबाणी जारी कीती गई है। इस समय दौरान हवा 40 किलोमीटर प्रति घंटे दी रफ्तार नाल चलेगी। गल करिए सूबे हरियाणा दी, तां इत्थे दा नारनौल सब तो गर्म रहा। इत्थे तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दस दईए कि 28, 29 अते 30 मई तक 10 जिलियां विच येलो अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब अते पंजाबीयत नाल जुड़िया हर मुद्दा, हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसी भी देवो साडा साथ। तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते, अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट, खबर दी निरपक्ष आवाज। विजिट करो www.nirpakhpost.com।